मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वो। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में इंतहाई अजीब, खौफनाक और दिल हला देने वाली हकीकत बताऊंगी, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा, शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, माउंटेन क्लाइंबिंग एक इंतहाई अजीब और खौफनाक पैशन है। माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में कहा जाता है कि उनके हर मिशन के एंड पर मौत मौजूद है। अगर माउंटेन क्लाइंबर्स का जरा सा भी पांव फिसला तो वो हजारों मीटर गहरी खाई में जा गिरता है। दोस्तों, ऐसे क्लाइंबर्स जो समझते हैं कि किसी भी मिशन के नतीजे में मौत वाकया नहीं हो सकती, वो ना तो माउंट क्लाइंबर हैं बल्कि बेवकूफ भी हैं। सुनो, कई कोहे पे माँ ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक जिद और जुनून होता है कि माउंट एवरेस्ट और केटू को फतह करके ही रहेंगे। कई बार उनकी ये जिद उनकी मौत का सबब बन जाती है। नाज़रीन इकराम, पहाड़ को सर करने के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स को बहुत सी खतरनाक घाटियों, फिसलन भरे रास्तों, खून जमा देने वाली ठंड, बर्फानी तूफान, इन सब खतरनाक मराहल से गुजरकर पहाड़ को सर करना पड़ता है। और इसके अलावा माउंट एवरेस्ट और K2 पर इतने बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं कि माउंटेन क्लाइंबर्स इन ग्लेशियर यानी के मौत के साए में रहकर चोटी सर करते हैं। अगर जरा सा भी हादसा पेश आ जाए तो इनकी मौत वाकया हो जाती है। दोस्तों, माउंटेन क्लाइंबर्स ये सब हकीकत जानने के बावजूद फिर भी हर साल चोटियों को सर करने के लिए निकल पड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं बर्फ में जमी लाशों के कब्रिस्तान के बारे में, जिसको डेड जोन कहते हैं। दोस्तों, इसको डेड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे बंदे इस डेड जोन में ही मरते हैं। 800 मीटर की ऊंचाई पर जाकर डेड जोन शुरू हो जाता है। यहाँ का दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है, खांसी आना शुरू हो जाती है, बंदा हाइपॉक्सिया का शिकार हो जाता है। इस तरह की हालत में कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स का दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इन्हें अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपने एवरेस्ट फिल्म का वो मंजर तो देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड का ग्रैंड और माउंटेन क्लाइंबर एंडी हैरिस जब डेड जोन पर पहुंचता है तो उसको कुछ मुंतशिर ख्याल आने लगते हैं और वो अपने कपड़े गियर सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। ये मंजर देखकर ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए कि माउंटेन क्लाइंबर एंडी ने ऐसा क्यों किया। सुनो, एक्चुअली एंडी हाइपॉक्सिया का शिकार था क्योंकि इतनी ऊंचाई में जाकर दिमाग काम करना छोड़ देता है और अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। एंडी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, इसलिए इसने मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, डेड जोन में बर्फीला तूफान सबसे बड़ा मसला होता है। माउंटेन क्लाइंबर्स को कभी भी किसी भी टाइम आ गिरता है और एक ही वक्त में कई माउंटेन क्लाइंबर्स को मौत की नींद सुला देता है। फिर सफेद बर्फ पर नजर आती हैं सिर्फ लाशें। दोस्तों, डेड जोन में मौसम इतनी तेजी से चेंज होता है और टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है और खून जमा देने वाली सर्दी हो जाती है जिससे आपको जान के लाले पड़ जाते हैं। नाज़रीन इकराम, एक और बात बताती चलूं कि मरने वाले माउंटेन क्लाइंबर्स को उधर से वापस लाना एक नामुमकिन बात है। उनको कभी भी वापस नहीं लाया जाता, वो पूरी तरह बर्फ में धस चुके होते हैं, उनको बर्फ में ही छोड़ दिया जाता है। आज भी उनकी लाशें उस बर्फीले कब्रिस्तान में पड़ी हुई हैं। दोस्तों, मौसम गर्मा में भी माउंट एवरेस्ट और K2 पर बर्फ होती है और सर्दी होती है। मौसम गर्मा में भी लोग ऊपर जाते हुए सर्दी से अकड़ जाते हैं। दोस्तों, K2 और माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है इन चोटियों को सर करते हुए कोई फंस गया तो इनकी मदद को जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे वाकयात में देखा गया है कि जिसने मदद की और जिसकी मदद की गई दोनों जिंदा न बच सके। दोस्तों, डेड जोन के अंदर नींद या ज्यादा रुकने का मतलब मौत है। जो उधर सो गया उसके जागने के चांस बहुत कम होते हैं, यानी कि जो सो गया हमेशा के लिए सो गया। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे मशहूर माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में बताऊंगी जो इन चोटियों को सर करने के लिए मिशन पर निकले और इन सब का अंजाम मौत पर हुआ। नाज़रीन इकराम, 1924 में मशहूर माउंटेन क्लाइंबर जॉर्ज मैलरी माउंट एवरेस्ट को सर करते हुए एकदम गायब हो गया और 75 ईयर्स तक जॉर्ज मैलरी का कोई अता पता ना मिला। 75 ईयर्स के बाद बिला आहर जॉर्ज मैलरी की बॉडी मिल गई। इसकी बॉडी
पेट के बल पड़ी हुई थी। नेक्स्ट है हैनी लोर। हैनी लोर एक जर्मन क्लाइमर थी। उसने 1979 में माउंट एवरेस्ट सर कर ली थी और फिर उधर ही अपने बैग पैक के साथ टेक लगा कर लेट गई और फिर कभी भी ना उठ सकी और मौत के हवाले हो गई। दोस्तों बहुत से लोग चोटी तक पहुंच तो गए लेकिन वापस लौट कर ना आए। नाज़रीन इकराम 1996 में एक मशहूर माउंटेन क्लाइमर सीवाम ने माउंट एवरेस्ट को सर किया। वापस आते हुए एक बर्फानी तूफान ने सीवाम की जान ले ली। इसने ग्रीन बूट्स पहने हुए थे, इस वजह से इसका नाम ग्रीन बूट्स पड़ गया। नेक्स्ट स्टोरी है शरिया की। इसका तलक कैनेडा से था। इस औरत ने 2012 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर लिया था। वो इतनी खुश थी कि 20 मिनट तक अपनी जीत को सेलिब्रेट करती रही। जब वो वापस आ रही थी तो उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और ये दम घुटने की वजह से मर गई। दोस्तों जुलाई 2008 में एक पाकिस्तानी पोर्टर जहां बेग केटू को क्लाइम करते हुए स्लिप हो गया और गिर कर मौत का शिकार हो गया। उसी दिन एक औरत जो नॉर्वे से थी, बहुत माहिर माउंटेन क्लाइंबर थी, ये अपने हस्बैंड राव वई के साथ केटू सर करने के लिए आई। इसकी शादी को सिर्फ एक माह हुआ था। इसका हस्बैंड जब चोटी सर कर रहा था, बर्फ का एक तोदा उसके ऊपर गिरा और वो दब कर मर गया। ये अपने शोहर को मौत के मुंह में जाते हुए देख रही थी लेकिन इस सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। केटू पर अमवात की शरह 29% है। इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। दोस्तों माउंटेन क्लाइंबर्स के नजदीक माउंट एवरेस्ट को सर करना आसान और केटू को सर करना नहायत मुश्किल है, क्योंकि केटू बेहद सीधा है, इसलिए इस पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। केटू अब तक माउंट क्लाइंबिंग के बड़े बड़े नामों को खा चुका है, इस वजह से इसको कातल खूनी और आदमखोर पहाड़ कहते हैं। नाज़रीन इकराम, जो लोग केटू पर मरते हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, सिर्फ केटू के सामने स्टील की प्लेट्स पर इनके नाम लिख दिए जाते हैं। दोस्तों केटू के डेड जोन में गूगल काम नहीं आता, यहाँ पर पड़ी हुई लाशें ही मैप का काम करती हैं। यहाँ पर किसी के ग्रीन बूट्स और किसी की बर्फ में जमी हुई लाल जैकेट पहाड़ पर चढ़ने वाले माउंटेन क्लाइंबर्स का दिल भी धड़काती रहती है। नाज़रीन इकराम, डेड जोन में अगर कोई क्लाइंबर अपने ग्रुप से अलग हो जाए और रास्ता खो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद अली सहपारा की। मोहम्मद अली सहपारा को पहाड़ों का शेर कहा जाता है। इसको ये एजाज हासिल है कि उसने 8000 मीटर की 8 चोटियां सर की हैं। मोहम्मद अली सहपारा 5 फरवरी को अपने दो साथियों के साथ केटू को सर करने के लिए गए लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता ना चला। पाक फौज जवानों का सख्त सर्द मौसम के बावजूद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सारी कौम उनके वापस पलट आने के लिए दुआएं कर रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।